हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल कॉस्टिंग ऑफ अ फ्लैट, रीसेल फ्लैट। व्हेन यू आर बाइंग इट, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना आता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो लाइफ में एक खुद का घर बनाना हम सबका सपना होता है, और कभी ना कभी हम हमारी पहली प्रॉपर्टी प्लान करते हैं और ख़रीदते हैं। तो कुछ लोग लेते हैं न्यू, और जैसे मैंने लिया हुआ है रीसेल फ्लैट। तो रीसेल फ्लैट अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमारा जो पहला एक्सपीरियंस रहता है, हम कुछ और इमेजिन करते हैं, कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्चुअल सीन जो होता है वहाँ पे इतने सारे मल्टीपल हिडन कॉस्ट होते हैं। हमेशा कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, और एंड में वो सारे के सारे आते हैं और सब पे करना होता है। मेरा तो बीच में ऐसा हाल हो गया था कि छोड़ो, अभी मुझे नहीं ख़रीदना है फ्लैट, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए थे। तो एक्चुअल में मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं वो मैं सारे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने फ़्लैट लिया था 2019 में, जनवरी फरवरी 2019 में। तो उस समय की स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन जो है आज की डेट में चेंज हो सकते हैं, और थर्ड है जो NOC, बिल्डर NOC। ये तीन पॉइंट है जिनमें आज माइनर चेंज आया है, अदरवाइज़ आपको मैं बाकी का सारा टोटल कॉस्ट शेयर करती हूँ। चलिए दोस्तों, जो ये प्रॉपर्टी मैंने 2019 में ली, तो ये 2 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी उस समय पे, और रेंट पे कोई ऑलरेडी टेनेंट यहाँ पे रह रहे थे। फ्लैट का एरिया था 1080, अराउंड 1100 स्क्वायर फीट सेलेबल, एंड 705 के अराउंड जो है कारपेट एरिया। तो ये मेरे फ्लैट का साइज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 BHK फ्लैट, जो ओनर के साथ हमारा फाइनल नेगोशिएशन हुआ, उन्होंने बोला कि 53 lakh and 50,000 पे हमने फाइनल किया, अलॉन्ग विथ 1 रिजर्व्ड कवर्ड पार्किंग। तो ये फाइनल फर्स्ट जो कॉस्ट है कि आप कितने में नेगोशिएट करते हैं, ये मेरा फर्स्ट कॉस्ट था 53 lakh and 50,000। ये हमें पे करना था ओनर को, फ्लैट के ओनर को। दिस इज़ डन। तो दोस्तों, सेकंड जो मेरा चार्ज था वो था बिल्डर NOC। तो बिल्डर NOC मैंने पे किया है 1,25,000, जो कि 2019 में काफ़ी लोग यहाँ पे एक उल्टे पाटिल को पे कर रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 to 2 lakh रुपीज़। मतलब जो जितने में मान गया उससे उतना ले लो। अब इसमें नेगोशिएशन भी होता है कि बायर और सेलर जो है 50-50% कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला था, हमें कुछ आइडिया नहीं था। हमें जो सेलर था उसने बोला कि आप 125 दे दो बिल्डर को डायरेक्ट ऑफिस में ले जाके, और डे वन को हमने जब हम टोकन अमाउंट देने आए थे उस दिन हमने ये अमाउंट पे किया है 1,25,000 NOC का। और ये सेकंड चार्ज था मेरा। अब इस ये चार्ज जो आज की डेट में जो लोग फ्लैट बाय करने जाएंगे तो उनको लग रहा है 25,000। नेक्स्ट चार्ज जो है वो हमारा आता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये हम सबको पता है, नॉन कॉस्ट है, और उस समय पे जो कॉस्ट था उससे डेफिनेटली आज की डेट में आप बाय करने जाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कम है। बट जो मैंने पे किया है वो स्टैम्प ड्यूटी जो मैंने दी है वो है 3,21,000 इस फ्लैट के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे किया। देन रजिस्ट्रेशन जो था 30,000, और उसके साथ 600 रुपीज़ एक और मुझे चार्ज लगा, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्ज DHC, तो वो मैंने पे किया। तो मेरा रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी का जो चार्ज है 3,51,600, ये मैंने पे किया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉस्ट आता है, ये है ब्रोकरेज। तो वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे, जो साइट्स हैं 99, नो ब्रोकर, उस पर भी घूम घूम के देखा, लेकिन फाइनली सेफ वे जाने के लिए हमने एक ब्रोकर के थ्रू ये फ्लैट लिया है। और जनरली हमारा आइडिया था कि वो 2% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे
1% मैंने पे किया 50,000 रुपीज़, जिसमें उन्होंने सारा एग्रीमेंट और बाकी काफ़ी सारी हेल्प की, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नाम चेंज करवाने के लिए, घर का क्लीनिंग करके दिया, जो रिपेयर था वो करके दिया, तो एंड टू एंड उन्होंने सारा काम करवा के दिया। तो नेक्स्ट मेरा जो चार्ज था वो मैंने पे किया है 50,000 रुपीज़ ब्रोकर को। तो दोस्तों, और फिर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको चार्ज लगता है यहाँ पे घर लेते टाइम, वो है लॉयर का। तो लॉयर की फ़ीस तो आपको देनी ही है, कुछ भी हो जाए वो ही, क्योंकि एग्रीमेंट करवाते हैं, वो ही सारा चेक करते हैं। तो मैंने क्योंकि SBI के थ्रू लिया, तो SBI के थ्रू जब आप लोन लेते हैं तो आपको 2 times वो एग्रीमेंट करते हैं, एक सेल डीड होता है और फिर एग्रीमेंट होता है, तो 2 times लॉयर को काम करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने मुझसे डबल चार्ज लिया, दैट इज़ 16,000। तो उनका कहना था कि आप किसी और बैंक से लेते हो, HDFC, ICICI या किसी और बैंक से, तो वो 1 time चार्ज होता 10,000, बट SBI के केस में उनका डबल वर्क होता है, तो वो भी 20,000 मांगा था, बट फिर 16,000 हमने फाइनली उनको पे किया 2 बार में। तो दोस्तों, अब एक लास्ट जो मैं आपको चार्जेस बताने जा रही हूँ, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये भी पे करना है और ये मैंडेटरी है। तो पहला तो था, जैसे ही हम बैंक में लोन के लिए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, सबसे पहला उन्होंने बोला 15,000 आप भर के आ जाओ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का 15,000 1 time चार्ज था, जिसमें उन्होंने बोला है कि कुछ फायर है या फिर अगर कुछ सिलेंडर बस्ट हो गया घर में, या ऐसा टाइप का कुछ भी डैमेज होता है तो उस वो कवर करेंगे। तो एक 15,000 हमने भर दिया, ये एक चार्ज मुझे लगा। और ये 15,000 के बाद एक और चार्ज था जो हमने नहीं सोचा था कि लगेगा। तो SBI का ऐसा है कि आपको वो लोन के अगेंस्ट एक और इंश्योरेंस करना होता है, तो SBI ऋण सुरक्षा या लोन इंटरेस्ट लोन इंश्योरेंस एक चीज़ होती है जो मैंडेटरी है। आप SBI के पास जाएंगे, आपको लेना ही है, आप चाहें या नहीं चाहें वो दे देते हैं। 1,00,000 रुपए का ये इंश्योरेंस था, एग्जैक्ट मैं अमाउंट आपको बताती हूँ, दिस इज़ 96,564। तो अराउंड 96,97,000 का मेरा एक ऋण सुरक्षा इंश्योरेंस एक हुआ है, जो कि मतलब नहीं चाहते हुए भी हुआ है, और इसका डिफ़ॉल्ट उन्होंने हमें लोन दे दिया, वो 80% का ही लोन देता है SBI, बट ये 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, जिसका 800 रुपीज़ पर मंथ अभी मैं पे करती हूँ। तो एक ये एक्स्ट्रा चार्ज था। तो ये सारे के सारे चार्जेस हमें लगे हैं ये फ्लैट बाय करते समय। तो अगर मैं ये टोटल सम इनका करती हूँ तो इट कम्स अराउंड 60,06,000। तो आप 60 lakhs राउंड फिगर में ले सकते हैं जो कि एक्सपेंसेस हुए हैं ये घर बाय करने में, और जो भी चार्जेस का बायफर्केशन है वो मैंने शेयर किया है आपके साथ। अब आज की डेट में अगर आप ये सेम फ्लैट बाय करने जाते हैं, तो कोरोना के कारण थोड़ा सा मार्केट का एलिवेशन नहीं हुआ और सेम रेट में भी अवेलेबल है, तो आप अगर कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं और भी, तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन नोन है, सबको पता है कि हाँ वो कॉस्ट कम हो गए हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट तो कम हुए हैं, वो मैं साइड में रखती हूँ। अब स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन वन थिंग, सेकंड है अगर आपको ब्रोकर के थ्रू नहीं लेना है 50,000, वो भी आप सेव कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे मल्टीपल फ्लैट्स अवेलेबल हैं, लोगों ने बहुत सारे डाल के रखे हैं, ओनर से डायरेक्ट बात करिए, फ्लैट विजिट करिए, फाइनलाइज करिए, एंड वो कॉस्ट आप टोटल सेव कर सकते हैं। थर्ड जो है NOC का मैंने पे किया है 1,25,000, आपको आज की डेट में देना है 25,000 रुपीज़, तो वो कॉस्ट भी कम हो गया है। तो इस तरह से आप अपना टोटल कॉस्टिंग कितना होगा, लॉयर को कितना देना है,
इंश्योरेंस का कितना लगता है। SBI से लेंगे तो डिफरेंट चार्जेस हैं, अगर आप अदर बैंक से लेते हैं तो डिफरेंट चार्जेस हैं। इस तरीके से आप आज की डेट में फ्लैट अगर बाई करते हैं तो चार्जेस का एक मैंने आपको आइडिया दिया। एंड में एक चीज़ मैं और शेयर करती हूँ, जो मेरा लोन था, लोन जो मैंने लिया अभी। बहुत सारे बैंक लोन देते हैं और कुछ बैंक्स का है कि वो 90% तक देखते हैं। आप अपन PNB है, HDFC का बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में, इजी, और लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करते हैं HDFC को, ICICI है, सबका है। ये लोगों का है कि वो 90% तक का लोन आपको देते हैं। और हाँ, अगर आप SBI के पास जाते हैं तो वो 80% आपका एग्जैक्ट कैलकुलेट करेगा, उसके ऊपर एक पैसे भी वो आपको नहीं देंगे, सिर्फ 80% देंगे। तो 20% जो है आपको हार्ड कैश अमाउंट जो है उसी समय जुगाड़ करना पड़ता है। तो मुझे अराउंड 16 लाख रुपए का इंतज़ाम करना पड़ा, जो मैं सोच रही थी कि 4-5 लाख अगर मेरे पास है तो मैं घर बुक कर सकती हूँ और बाकी का तो बैंक से लोन ले लेंगे, हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे इंतज़ाम करना पड़ा लगभग 16 लाख रुपए का इनिशियली, जो कि हमारे पास नहीं थे, तो वो हमने किया। देन बैंक का लोन 42.8 के अराउंड लिया 20 साल के लिए, और मेरी जो आज की EMI है, मंथली EMI 37,400 प्लस जो मेरा रेंट सुरक्षा है उसका 800 पे होता है, तो 38,200 का मेरा EMI जाता है, और ये 20 ईयर्स के लिए है। इनिशियल मैंने जब लोन लिया था तो मेरे चार्जेस थे 8.65, आज की डेट में मैं देती हूँ 7.2 का जो है इंटरेस्ट। तो चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं और इम्प्रूव हुई हैं, और आप प्लान कर सकते हैं एक फ्लैट लेने का, और क्या क्या चार्जेस हैं वो आपको पता है अभी। तो थैंक यू सो मच मैं इस आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।